वो एक एक रुपए का चंदा लेके उन्होंने जो पार्टी आज नेशनल लेवल के खड़ी की है, तो हमें उसको सपोर्ट करना है। हमें ये भी डर रहता है कि अगर हमें यहाँ से सस्पेंड करा, हमारा तो हमारे आगे पूरा करियर है। आज के जमाने की जो सरकार है वो हमारे दलितों के लिए काम नहीं करती। हमारे लोग जब पावर में नहीं आएंगे तब तक चीजें बदलेंगी नहीं। यूथ ये चीजें ज्यादा देखता है कि कौन हमारे सपोर्ट में आके हमारे लिए बोल रहा है। अगर हमारी ये पार्टी डिस्ट्रीब्यूट होने लगी तो फिर हम लोगों को सत्ता में आने में बहुत प्रॉब्लम होगी। एज अ वुमेन, एज अ दलित वुमेन, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी संभाली है, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी संभाली है। जय भीम, दलित टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राज इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और हमारे साथ आज जो हैं दो दलित छात्राएं भी मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ परिवर्तन 2024 के अंदर देखने को मिल रहा है। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम अपेक्षा रंगारे है। आपका नाम? विशाखा। कहाँ से आप? मैं MP जबलपुर से यहाँ पे रिसेंटली स्टडी कर रही हूँ। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो अपेक्षा जी, आप अभी फिलहाल ही दिल्ली में आए हैं, क्या कुछ लग रहा है कि माहौल क्या बना हुआ 24 को? हमारे यहाँ जो इन्वायरमेंट है वो आप भी जानते हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट में है जो बहुत गलत डायरेक्शन में हमें ले जाना चाह रहा है और हमारा जो फ्यूचर है इंडिया का उसको ले जाना चाह रहा है। तो मुझे तो ऐसा लगता है जो इन्वायरमेंट है वो BJP के समर्थन में है। BJP को समर्थन आप लोग कर रहे हैं या एनवायरनमेंट कर रहे हैं? ये एनवायरनमेंट जो है, आप अपनी बताइए, एनवायरनमेंट को छोड़िए। देखिए, रिसेंटली आई एम अंडर एज, मैं अभी वोटिंग राइट नहीं है मेरे पास में, एंड नेक्स्ट ईयर आई विल। वोटिंग राइट नहीं है आपके पास, बोलने का अधिकार तो है ना? हाँ, उसके उसमें तो आप बोल सकते हैं। मतलब क्या लग रहा है 24 में परिवर्तन, किसकी ओर जनता झुक रही है या क्या कुछ लग रहा है 24 में बदलेगी मोदी सरकार, जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं? हाँ, चांसेस हैं मोदी सरकार के बदलने के भी, जिस तरीके से उन्होंने सिचुएशंस अभी एनवायरनमेंट की बना के रखी हुई है और यूथ की जिस तरीके के एनवायरनमेंट बना के रखा हुआ है, स्टडीज से लेके हर चीज़ में, पॉलिटिक्स से लेके जितने भी लॉज ला रहे हैं उन सब चीज़ों में, तो लगता है कि शायद हो सकता है इस बार मोदी सरकार बदलेगी। मोदी सरकार बदलने की बात हो रही है, आपके फ्रेंड ने भी ये कहा है कि बदल सकती है, तो ये बताइए कि मोदी सरकार अगर बदलती है तो आप लोग किसको देखते हैं दूसरे चेहरे के लिए? देखिए, पार्टी कोई भी हो, एज अ स्टूडेंट, एज अ यूथ, एज अ फीमेल, मेरा बस हमारी डिमांड इतनी सी है कि स्टूडेंट्स की आवाज़ सुनी जाए, यूथ की आवाज़ सुनी जाए, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देश में हो रहा है वो ना हो, जो कि अभी न्यू वुमेन रिजर्वेशन बिल आया न्यू पार्लियामेंट में, जिसमें भी हम देख सकते हैं कितनी इनइक्वालिटी है। तो बस हमारी डिमांड एज अ स्टूडेंट, एज अ फीमेल, इतनी ही है कि जो भी पार्टी आए बस हमारी सुने, जनता की सुने। कौन सी पार्टी? फिर भी आपको तो वोटिंग का अधिकार होगा। बिल्कुल, कौन सी पार्टी को चाहते हैं? मतलब आपने देखा होगा अपने इस एज में किसने अच्छे काम किए, किसने बेकार काम किए, उस अकॉर्डिंग आप बता सकते जी? जब तक अभी तक जितना मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है तो ऐसे किसी पार्टी के फेवर में या अपोजिट में तो नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी कि मेरा यही है कि जो भी पार्टी आए बस उस पार्टी के काम अच्छे होने चाहिए। मतलब नाम लेने से डरते क्यों लोग? मतलब बीजेपी के अगेंस्ट किसी का नाम लेने नहीं जाते, बोलते बस बीजेपी को हराना है, किसी को तो लाना होगा ना आप लोगों को? एक तो कोई होगा नहीं था कि जिसको प्रधानमंत्री बनाना है उसकी सरकार लानी है, हमें डर किस चीज का? बाबा साहब ने अधिकार दिया आप लोगों को, बोलने का अधिकार दिया है, सुनने का अधिकार दिया है, उसमें भी बाद में आप लोग डरते हैं जी? डरते नहीं है, और अगर डरते भी है, हमारी जनता को बोलने के लिए डरती भी है, तो ये तो आप लोगों को ही पता होगा ना कि क्यों डर रही है जनता। क्योंकि अगर हम स्टूडेंट है कहीं पे, हमें ये भी डर रहता है कि अगर हमें यहाँ से सस्पेंड करा, हमारा तो हमारे आगे पूरा करियर है। तो ऐसा मतलब आपका भी मानना है कि अगर आप बोलेंगे खुलकर तो आपको भी सस्पेंड कर दिया जाएगा, या आपके मतलब पढ़ने का जो आप आए हैं दिल्ली में आपको वो अधिकार छीन लिया जाएगा? देखिए, जिस तरीके की सिचुएशन है, आई डू थिंक सो कि हाँ, हमारे बोलने पे ऐसे कुछ चीज़ें हो सकती है, ऐसे कोई डिसीजन वो ले सकते हैं कि हमको सस्पेंड कर दिया जाए। बट एज अ सोशल पर्सन, एज अ सोशल स्टूडेंट, मेरा अपना खुद का भी ये राइट है कि इट्स माई ड्यूटी, इट्स माई चॉइस कि मैं कौन सी पार्टी को एज अ देख रही हूँ जिसको गवर्नमेंट में आना चाहिए। अच्छा, आप तो अंडर एज हैं, आप ही बताइए कि आपका जो परिवार है MP में जो रहता है वो किसको सपोर्ट करता है? जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक दलित फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और आज के ज़माने की जो सरकार है वो हमारे दलितों के लिए काम नहीं करती। तो मेरी फैमिली और मेरा जितना भी पेट्रोनेज रहा है, हम लोगों ने हमेशा से अपने लोगों को
वोट दिए हैं अपने का नाम, अपने लोग यानी बसपा। अच्छा, मतलब बहन जी का आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आप भी मतलब आगे जब आपका मतलब आपको अधिकार मिलेगा वोट का, वोट राइट का, जब आप भी मतलब बहन जी को वोट देंगे या कोई और आपको अपना है? देखिए वो डिपेंड करता है आगे जाके चीजें कैसी होने वाली है। अगर साथ साथ अगर हमारी कोई पार्टी आगे आती है जो हमारे लिए उनसे अच्छा कुछ कर सकती है तो मे बी शायद हम लोग उससे हट के उनको वोट दे दें। अच्छा ये बताइए कि और जो लोग हैं जिनको वोट का अधिकार है, आपकी फ्रेंड ने एक तो आपने बताया कि फैमिली बसपा को सपोर्ट करती है और आप भी कहीं ना कहीं सोचेंगे आगे कि बसपा को सपोर्ट करूं, तो आप लोग अपील क्या करेंगे कि आने वाले 2024 का चुनाव है या 5 राज्यों में चुनाव है, मध्य प्रदेश में आपके राज्य में चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें आप क्या अपील करना चाहेंगे अपने दलित समाज के लोगों से कि किसको वोट डालें और किसको ना डालें? देखिए सबसे पहले तो सोशल एक्टिविस्ट, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि एमपी में स्पेशली सबसे बड़ी चीज लोगों को ये बोल के वोट्स लिए जा रहे हैं कि हम आपको पेंशन दिलवाएंगे। हमारे लोगों से मैं ये अपील करना चाहूंगी कि इस चीज़ों की वजह से अपने लोगों को वोट ना देना, ये आपकी सेल्फिशनेस होगी। हमारे लोग जब तक पावर में नहीं आएंगे तब तक चीजें बदलेंगी नहीं। मतलब हमारे लोगों को मतलब अपने लोग आप बीएसपी को कह रहे हैं थोड़ा अपने लोगों को वोट डालना, यानी बीएसपी को वोट डालेंगे तो ही उनको अधिकार मिलेंगे। अब बीते दिनों मध्य प्रदेश से काफी कुछ घटनाएं सामने आई पेशाब कांड को लेकर और भी मतलब आदिवासी महिलाओं के साथ जो हुआ कुछ, तो वो उसके बाद आप यही है कि बीएसपी को वोट डालें आपके लोग? हाँ बिल्कुल डालना चाहिए। अभी तो लीडिंग पार्टी हमारी बीएसपी रही है, जैसा कि आप जानते हैं काशीराम जी ने बीएसपी को जिस संघर्ष से बनाया है और जिस संघर्ष से काम किया है, वो एक एक रुपए का चंदा लेके उन्होंने जो पार्टी आज नेशनल लेवल के खड़ी की है, तो हमें उसको सपोर्ट करना है। लेकिन बीएसपी को तो मतलब भीम आर्मी भी टक्कर दे रही है, मध्य प्रदेश भी पहुंच गई भीम आर्मी, उसमें कहां से जीत पाएंगे बीएसपी? देखिए ये चीज तो है कि हमारे लोग थोड़े डिस्ट्रीब्यूट होते जा रहे हैं और जिस तरीके की अभी सिचुएशन पॉलिटिकली चल रही है बीएसपी से भी रिलेटेड, तो अगर बीएसपी आगे आके इनिशियली काम नहीं करती है तो मे बी शायद भीम आर्मी भी बीएसपी काम नहीं कर रही है। मतलब देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलिटिकली जो चीज़ें अभी हो रही हैं, बीएसपी चाहते हुए भी या ना चाहते हुए, इंटीरियर हम लोग कुछ नहीं जानते अभी क्या हो रहा है, बट एक उम्मीद रहती है हमें पॉलिटिकल पार्टी से कि वो आए और हमारा सपोर्ट करें, पर कहीं कहीं जगह पे वो चीज़ें लैग करने को मिलती हैं। जैसे कि आप जानते हैं जब हमारा हाथरस हत्याकांड हुआ था तो भीम आर्मी के चंद्रशेखर सर जो फाउंडेशन उन्होंने क्रिएट किए, जो फाउंडर हैं, वो आए थे आगे। तो यूथ ये चीज़ें ज़्यादा देखता है कि कौन हमारे सपोर्ट में आके हमारे लिए बोल रहा है। बट मैं फिर भी ये कहूँगी कि जो पार्टी एक नेशनल लेवल पे पहुँची है, जो पार्टी ऑलरेडी बिल्ट है हमारे लोगों के लिए बीएसपी, तो मैं चाहती हूँ वो आगे और काम करें। आप इसमें क्या कहना आपका कि अगर दोनों लोग कह रहे हैं कि दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, तो आप दोनों की एक एक राय है कि इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या सच में दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए भीम आर्मी बीएसपी? सर सही में वैसे अगर मैं अपना पर्सनल चाहूँ तो आई थिंक कि दोनों पार्टीज को एक साथ आना चाहिए। हमारे लोग ऑलरेडी कास्ट की वजह से अलग अलग होके रखे हुए हैं जैसा कि आप जानते हैं, उन लोगों को मिलाने का काम शुरू में बीएसपी ने किया था। जैसे कि आप जानते हैं काशीराम जी का कोटेशन रहा था कि जितनी जिनकी संख्या उतना हिस्सेदारी, तो उनका काम हर जाति के लीडर्स को पैदा किया था काशीराम जी ने, अब वो धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। सो अब वो साथ में आए और भीम आर्मी जो अलग हुई है, जो भी कॉन्ट्रडिक्शन है जो भी कॉन्फ्लिक्ट उनके बीच में है वो सुलझाए, क्योंकि हमारे लोगों को जो 85% पॉपुलेशन हमारी है आज के टाइम में, उनको साथ में आना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी ये पार्टी डिस्ट्रीब्यूट होने लगी तो फिर हम लोगों को सत्ता में आने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मतलब आप एक लड़की हो, आप बहन जी जब आई थी मतलब उनकी भी एज 20 के आसपास थी जब वो इस लाइन में आई थी ना, तो क्या लगता है कि मतलब बहन जी को ठुकराना महिलाओं के लिए और दलित समाज के लिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? देखिए मायावती जी ने जो काम किए हैं हमारे लोगों के लिए वो शायद उनकी तारीफ करना भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि एज अ वुमेन, एज अ दलित वुमेन, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी संभाली है, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी संभाली है, और उसके बाद जो इतने काम किए हैं तो वो शायद कोई भी नहीं कर सकता।
शायद कोई एक मैन होता तो शायद वो भी नहीं कर सकता जितना उन्होंने काम किया है। तो मेरे ख्याल से अगर आज भी हमारे लोग ऐसे हैं जो बीएसपी से जुड़े हुए हैं, चाहे कुछ भी हो, फाउंडेशन बीएसपी की इतनी मजबूत है कि उनके जो पहले से आए हुए वोटर्स हैं वो आज भी उनको सिर्फ नाम की वजह से वोट देते हैं, तो आई थिंक उनको ठुकराना मायावती जी को, ये हमारे लिए बहुत बहुत कॉन्ट्रडिक्ट होने वाला है आगे जाकर। तो ये थी अपेक्षा जी, जो कि एक दलित वर्ग से आती है, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर मायावती को आप ठुकराते हैं 2024 में या फिर आने वाले मध्य प्रदेश के चुनाव में, तो बहुत ही बड़ा नुकसान, वो चाहे महिला हो या फिर दलित समाज हो या फिर अदर कोई भी SC ST OBC में कोई भी समाज हो, उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान वो देखने को मिल सकता है। और आगे आने वाले दिनों में आपके साथ क्या से क्या कुछ हो सकता है वो भी आप लोग उसका नजर नहीं ला सकते।